cracking. वेलकम बैक टू आर चैनल द वाइब्रेंट. सो आज मेरा ये सेकेंड ट्रैवल ब्लॉग है एंड मैं नासिक जाने वाली हूँ. तो नासिक मैं जा रही हूँ बिकॉज मेरे को नासिक का कुछ फूड वगैरह एक्सप्लोर करना था, प्लस मेरे को सुला वाइंस जाना था. एंड एक्चुअली वी वर सपोज टू लीव यस्टरडे, बट हमको एक फूड ब्लॉग लेना था कल, इसकी वजह से हम लोग कल नहीं निकल पाए. सो और आज भी हमको 6 बजे निकलना था, बट ऑलमोस्ट अभी 10 बज गए हैं. तो अभी हम पहला हम शिवाजी नगर जा रहे हैं. शिवाजी नगर से फिर हम लोग जो शिवशाही बस है उससे हम नासिक पहुंचेंगे. सो आई विल कीप यू अपडेटेड. हमारी जर्नी थी, हम लोगों ने हमारे फ्लैट से कैब की, कैब से हम लोग शिवाजी नगर आए. शिवाजी नगर से फिर हम लोग एक बस में बैठे. ये शिवशाही जो गवर्नमेंट बस है, ठीक है, उसका फेयर है अराउंड 420 रुपीज़ पर पर्सन फॉर नासिक. एंड उसके बाद फिर अभी लंच ब्रेक के लिए ये गाड़ी रुक गई है और हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए पहले हम लोगों ने खाना खा लिया और फिर अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया. सो खाने में सिंपल खाना था, पनीर की सब्जी, रोटी वगैरह. एंड अभी बस हम बस में वापस चढ़ेंगे एंड आई थिंक सो 2-3 घंटे में नासिक पहुंच जाएंगे. सो मैंने वहाँ पे ऑलरेडी मेरी जो होटल बुकिंग है वो कर ली है. आई गिव यू द डिटेल्स लेटर. सो नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स माई बस. दिस इज आवर रूम. हियर इज द वॉशरूम. This is a small basin and look at our bed. There's a wardrobe given. I'm in love with this mirror. आज हम लोग आए हैं सुला वाइन्स. नासिक में आए हैं और सुला वाइन नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. सो दिस इज़ अ वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया नासिक, और ये सबसे फेमस स्पॉट है. सो सुला वाइन और नासिक इज़ अ वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया. यहाँ पे जो सुला वाइन्स हम लोग यहाँ पे आए हैं. सो देखते हैं ये कैसे है. सो एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पे पर पर्सन एंट्री चार्ज 600 रुपीज़ है, जो बाद में आप रिडीम कर सकते हो बाई ईटिंग और टेस्टिंग द वाइन. तो हम लोगों ने पहले हमारा एंट्री कर दिया है, हम लोगों ने 600 रुपीज़ पर पर्सन भरा. सो नाउ वी आर जस्ट हेडेड इनसाइड. सो एंट्री करने के बाद यहाँ पे एक फोटो लेने के लिए आपको एक सुला का बोर्ड दिखेगा. एंड उन लोगों ने बहुत अच्छा, मतलब लाइक यू कैन हैव यू कैन टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स ऑफ अदर. बड़ी बड़ी बॉटल रखी है, बड़ी बड़ी बॉटल. और यहाँ से फोटोशूट कर रहे हैं. तो सुला में एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत रेस्टोरेंट बोल सकते हैं या फिर कैफे टाइप है. यहाँ पे वी कैन हैव योर लंच वगैरह. यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी है, बहुत ज़्यादा सेल्फी पॉइंट्स हैं यहाँ पे. लाइक दिस इज वन,
बॉटल्स का वगैरह स्टैंड किया है. दिस इज ऑल सेल्फी पॉइंट व्हिच दे मेड सो दैट पीपल कैन कम हियर हैव अ ग्रेट टाइम क्लिक मोर सेल्फीज एंड फोटोज. यो गाइस, यहाँ पे सुला फेस्ट रहता है जहाँ से एंट्री होती है. ये पूरा कैंपस होता है जहाँ पे सुला फेस्ट रहता है. बट इस साल COVID-19 की वजह से इस साल नहीं होने वाला है, वो 2022 में होने वाला है. यू कैन सी यहाँ पे पूरा एम्फीथिएटर है सुला का जहाँ पे सुला फेस्ट होता है, रॉक शो एंड मेनी मोर थिंग्स. तो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्पॉट, देखते वहां पे क्या है. सो यहां पे एक बोर्ड डिस्प्ले किया है जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज का कितना किलोमीटर्स है. जैसे लंदन है आई थिंक 7000 समथिंग किलोमीटर्स, शंघाई, दुबई, टोक्यो जाना तो है नहीं, बट इन लोगों ने बस डायरेक्शंस के साथ किलोमीटर्स मेंशन किए हैं. आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस लोकेशन. सो यहाँ पे बस हम जो यहाँ पे फोटो रैली के लिए साइकिल वगैरह रखी है उस पर बैठ के हम एंजॉय कर रहे हैं, फोटोज वगैरह निकाल रहे हैं ना. ऐश्वर्या अनुश्री ड्राइव कर रही है. अनुश्री हाथ तो लगाओ, ड्राइव कर रही हो तो तुम्हारे भरोसे बैठी हो पीछे. सेल्फी पॉइंट जहाँ पे हम सूला नहीं देख सकते जो कि पूरी अभी ड्राई हो चुकी है. और हम इतना मुमकिन में थक गए हुआ पे को फोटो नहीं निकालना मटी. और वो साइड में आपको दिखेगा वाइन प्लांट. यहाँ पे नंबर ऑफ टाइप्स की वाइन्स. तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे फोटोज निकाल लिए. यहाँ पे ना ऊपर एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे जो अपने एंट्री पास से 600 rupees इन्वेस्ट किए थे, तो वहाँ पे आप लोग वो रिडीम करवा सकते हो. तो हम वहीं पे जाएंगे बिकॉज वहाँ से आपको पूरा सूला दिखता है. वहाँ पे जाएंगे हम लोग, कुछ खाना वाना खाएंगे, चिल मारेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे. और चॉकलेट्स भी यहाँ पे मिलेंगे आपको. हाँ, वाइन चॉकलेट्स और कुछ कलेक्शन है उनका यूनिक क्रिएटिव, तो वो देखते हैं अभी. चल लेट्स गो. तो यहाँ पे सूला का मेन एंट्रेंस आपको दिखाई देगा. एंट्रेंस नहीं है ये सुलह की एंट्री है. वो जो टॉप पे जो कैफे है जहाँ से पूरा सुपर माइक विनियार्ड दिखता है, वो वहीं पे जा रहे हैं, उसकी एंट्री है. ये तो जितना मेनू कार्ड मिले. सो हम लोग बस जो ऊपर का व्यू है वो एंजॉय करते हुए कुछ चिल मार रहे हैं, पिज्जा वगैरह खा रहे हैं. हैविंग अ ग्रेट टाइम विद दिस व्यू. This is your. Ta-da! This is for you, Anushree. This is for you. Thank you. This is for you. Oh my God! Thank you. Kya hai? What you got? Mug. Sura mug. Charger hai chhattar. Khau ke ka? So she got us 4 mugs, right? See. I want to hold that. Got the Sula mug. Yes, people get wine. हम लोग wine नहीं पीते तो हम लोग mugs में खुश हैं. वो different color mug. Oh. ये place photo shoot के लिए बहुत ही अच्छी है. अगर आप pre wedding shoot कर रहे हो तो यहाँ पे आ सकते हो. तो अभी हमने शॉपिंग की है, जो अभी बाहर एंट्री पे हमने 600 रुपए ईच भरे है उसका हमने रिडीम किया है. मग्स और चॉकलेट्स लिए हैं. खाने में भी हम लोग ने रिडीम करवा दिया वो, बिकॉज हम लोग वाइन वगैरह नहीं पीते. एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम एट दिस प्लेस.
हम लोगों ने मस्ती की, बहुत फ़ोटोज़ वगैरह लिए। बट ये प्लेस बहुत अच्छी है, बट अगर आपको वाइन में इंटरेस्ट नहीं है सो आई वुड नॉट रिकमेंड यू गाइज, बिकॉज यहाँ पे फोटो निकालने के लिए बहुत अच्छी सी जगह है, बस यहाँ पे सिर्फ फोटोज एंड वाइन है और ज़्यादा कुछ नहीं है एक्सप्लोर करने लायक। बट जैसे कैसे फोटोशूट वगैरह, बट कैसा है ना कि अगर पुणे मुंबई जाते हो तो आपको बीचेस दिखेंगे और फिर लोनावला वगैरह है घूमने के लिए, सो नासिक वालों के लिए ये इट्स लाइक लवासा। How was the day? Yeah, it was fantastic. I had a really great day. बहुत अच्छा है ये नासिक, बहुत मज़ा आया and the Sula Vineyards is one of them. मज़ा आया. Now we are taking back memories with us. So that's it for this vlog. See you in the next vlog. Bye.